हेलो एवरीबॉडी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आई एम द फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एसएसटी एस फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो बच्चों आज हम अपने प्रीवियस सेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बचे हुए टॉपिक्स को करेंगे हम डिस्कस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड लेटेस्ट फर्स्ट डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन तो हमने पढ़ा था कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और उस सिस्टम को हम बुलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बुलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम राइट अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना होता है दो चीज़ों से मिलकर सबसे पहली है एलिमेंट्री कैनाल क्या है एलिमेंट्री केनाल जिसे हम डाइजेस्टिव केनाल भी बुलाते हैं जिसे हम फूड केनाल भी बुलाते हैं प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड तो हमने पढ़े हैं तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड ठीक है तो कौन कौन से थे सो देवर लीवर पैनक्रियाज एंड सेलाइवरी अमाइलेस क्लियर तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से बन के मिल के बना है अब जिसमें फर्स्ट है एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री केनाल इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ and it ends till anus clear so this is our complete elementary canal to humne isko padhna shuru kiya tha mouth se the very first part and that is this portion jise humne bulaya tha mouth ab mouth mein bahut sari cheeze thi there was um, tongue there, there are teeth and there are certain glands. कौन से glands थे यहाँ पर यहाँ पर थे salivary glands, right? तो so, ये जो salivary glands हैं ये ग्लैंड में होता है एक एंजाइम जिसे हमने बुलाया था सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन इन द माउथ इट उसके बाद खाना आता है थ्रू दिस एक ट्यूब जिसे हम बुलाते हैं ईसोफेगस ठीक है तो अब ईसोफेगस से ये खाना आता है और फिर ये पहुंचता है नेक्स्ट ऑर्गन में जिसे हम बुलाते हैं स्टमक तो ईसोफेगस एक पाइप है अब इस ट्यूब या पाइप है जिसमें किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ से जब खाना आता है स्टमक में तो स्टमक के पास अपने ही पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं कौन से ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन चीज़ें होती हैं कौन कौन सी थी रिकॉल करो सो देर वॉज एच सी एल दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन देर वॉज म्यूकस एंड पेप्सिन राइट तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें थी तो एच सी एल का का काम था इस पूरे मीडियम को एसिडिक बना देना ताकि खाने के साथ अगर किसी तरह का कोई माइक्रोब uh, आ गया हो कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आ गया हो तो वो खत्म हो जाए और दूसरा यहाँ पर ये जो पेप्सिन है ना ये एक इनएक्टिव फॉर्म में हमें मिलता है जिसे हम पेप्सिनोजन बुलाते हैं तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का काम भी एच करता है क्योंकि एच एसिडिक कंडीशन बना देता है और इन एसिडिक कंडीशंस में पेप्सिन पेप्सिनोजन पेप्सिन बनता है और पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू करता है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि सब अच्छा एक और चीज उससे पहले मैं बता दूं कि म्यूकस म्यूकस का क्या काम था म्यूकस का काम था कि ये जो एसिडिक कंडीशन अब बन चुकी हैं स्टमक में तो अब इससे स्टमक की लाइनिंग भी डिग्रेड हो सकती है तो उस स्टमक की लाइनिंग को बचाए रखने के लिए जो स्टमक की ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं राइट अब यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए पहली चीज कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है किस का कार्बोहाइड्रेट्स का आई एम सेइंग स्टार्ट हो रहा है मैंने फिनिश होने की बात नहीं की है वैसे ही स्टमक में इनिशिएट हो रही है डाइजेशन एक दूसरे न्यूट्रिएंट की दैट इज प्रोटीन तो प्रोटीन की डाइजेशन शुरू हो चुकी है प्रोटीन में लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है राइट तो अब जो स्टार्च की डाइजेशन शुरू हुई थी माउथ में या कार्बोहाइड्रेट की वो स्टमक में नहीं होती है क्योंकि स्टमक में जो ओवरऑल एनवायरनमेंट होता है ना वो काफी एसिडिक होता है तो उसमें ये जो एंजाइम है अमाइलेज जो स्टार्च पे एक्ट करके ग्लूकोज बना रहा था वो अपना काम नहीं कर पाता है क्लियर तो इतना समझ आ गया अब हम ये वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ये बीच में जो है दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन राइट और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर तो अब हम इन ही दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल सो लेट इस नाउ स्टार्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एक काफी लंबी कॉइल्ड ट्यूब है जिसकी लेंथ होती है अराउंड सेवन मीटर्स ठीक है तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सेवन मीटर्स लेंथ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है ये वो जगह है जहाँ पर हमारा खाया हुआ खाना तीन से पाँच घंटे तक रहता है और इस पार्ट में एलिमेंट्री के के इस पार्ट में डाइजेशन तो होती ही है खाने की खाना तो डाइजेस्ट होगा खाना अपने सिंपलर फॉर्म्स में तो कन्वर्ट होगा ठीक है स्टार्च प्रोटीन्स फैट सब डाइजेस्ट होंगे लेकिन साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर ये जो पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का इस ये तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है सबसे पहला पार्ट ये वो पार्ट है जो स्टमक से कनेक्टेड है ठीक है तो ये था स्टमक अब स्टमक को कंटिन्यू करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जिसे हम बुलाते हैं ड्यूडनम ठीक है तो ये वाला पार्ट जो स्टमक से कनेक्टेड है उसे हमने बुला दिया ड्यूडेनम ड्यूडेनम के बाद यहां पर नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट जेजनम क्लियर और फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज इलियम क्लियर तो तीनों पार्ट समझ आ गए सो डी जे आई ठीक है कैसे क्या कैसे याद रखेंगे तो मैंने तो ऐसे रखा था अपने स्कूल टाइम में थोड़ा सा फनी है सो so, दिल जले इनका ठीक है डी जे आई तो इसको याद रखना ओके तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आखिरकार हो क्या रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये सॉरी ये वाला जो पार्ट है जो कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम स्टमक सो दिस इज ड्यूडनम ठीक है अब ड्यूडनम जो होता है ना ड्यूडनम में दो ग्लैंड्स के सिक्रेशन आती हैं तो हमने टोटल तीन ही ग्लैंड पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पढ़ा था सेलाइवरी अमाइलेज जो हमारे यहाँ पर बक्कल कैविटी में माउथ के आसपास था ठीक है तीन पेयर में थे याद है ना तीन पेयर मतलब छः ग्लैंड थे पेयर्स में तो टोटल तो मतलब तीन पेयर में थे वो तो अब आते हैं बचे हुए दो ग्लैंड वन इज लिवर एंड अनदर वन इज पैनक्रियाज तो दोनों ही ग्लैंड अपने एंजाइम्स पोर करते हैं इंटू दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडनम तो याद रखना जब भी हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम और जो बचे हुए दोनों ग्लैंड है लिवर और पैनक्रियाज वो अपनी सिक्रेशन पोर करेंगे इनटू द स्मॉल इनटू द ड्यूडेनम राइट अब यहाँ पर अगर आप ड्यूडेनम में देखो ना तो ये एक कॉमन डक्ट है एक ये डक्ट आ रही है ये एक डक्ट आ रही है तो सबसे पहले ये समझ लो कि लिवर कहाँ है और पैनक्रियाज तो ये है लिवर ये जो बड़ा सा ऑर्गन है ना दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी एक ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा होगा पैनक्रियाज क्लियर तो लिवर और पैनक्रियाज समझ आगे कहां पर है अब यहां पर देखो ये एक पाउच जैसा आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर में सो दिस पाउच इज गोल ब्लैडर ठीक है क्या नाम है इस पाउच का गॉल ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर क्या करता है कि जो भी सिक्रीशन से लिवर करता है ना उसको टेम्परेरीली स्टोर कर लेता है ठीक है तो मतलब लिवर ने कोई एंजाइम सिक्रीट कर दिया और गॉल ब्लैडर ने उसको स्टोर करके रख लिया दूसरी चीज जो पैनक्रियाज हैं और जो लिवर है ना इन दोनों ये अपनी अपनी सिक्रीशन स्पोर करते हैं लिवर ने अपनी सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में भेजी और यहाँ पर पैनक्रियाज ने भी अपनी सिक्रीशन कर दी अब जब ये दोनों की सिक्रीशंस आएंगी तो ये कॉमन डक्ट से होती हुई कहाँ पर जाएंगी ड्यूडनम में दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर तो जो लिवर सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड एज बाइल जूस एंड बाइल जूस इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर ठीक है तो गॉल स्टोरेजर में होती है दूसरा आता है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास जो करता है 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 उस जूस को हम बुलाते हैं कुछ याद नहीं रखना और ठीक तो जो पैनक्रिया सिक्रीट कर रहा है वो पैनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस सिक्रीट जो कर रहा है वो है लिवर करेक्ट तो याद रहेगा ये दोनों चीजें अब आते हैं पहले दोनों ही ग्लैंड्स को थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे तो लिवर Liver, एक रेडिश ब्राउन कलर का प्लांट है जो आप ये वाला देख रहे हो ठीक है सो दिस इज वॉट दिस इज लिवर विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी और अगर आप अपनी बॉडी में देखो तो राइट right साइड में ये वाली जो आपकी साइड है राइट साइड बॉडी में चेस्ट कैविटी के नीचे आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये आपको बॉडी के राइट right साइड में चेस्ट कैविटी के नीचे देखने को मिलेगा अब यहां पर जो सिक्रेशन ये प्रोड्यूस करता है कौन से सिक्रीशन मैंने बताई थी जल्दी से बताओ मैंने आपको अभी बताया कि बाइल जूस सिक्रिएट करता है जो टेम्परेरिली स्टोर होता है इन द गोल ब्लैडर करेक्ट अब इसका जो सिक्रीशन है ना ये ग्रीनिश येलो फ्लूड है जिसे हम बाइल बुलाते हैं जो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है करेक्ट अब यहाँ पर जो बाइल जूस है बाइल जूस का काम क्या है देखो हमें क्या करना है हमें खाने को डाइजेस्ट कराना है खाने में हम सिर्फ तीन चीजों की डाइजेशन के बारे में अभी पढ़ते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स ठीक है कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था कहाँ पर डाइजेस्ट हुआ था इनिशिएट कहाँ हुआ था इन आर माउथ राइट प्रोटीन्स की कहाँ डाइजेशन इनिशिएट हुई थी जल्दी से बताओ स्टमक करेक्ट और अब बचता है फैट तो फैट की भी डाइजेशन को इनिशिएट करा देते हैं ठीक है ऐसे ही याद रखना तो बाइल क्या करता है बाइल जूस यहाँ पर ब्रेक कर देता है किसको फैट्स को इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स और ये जो प्रोसेस होता है जहां पर एक बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं इमल्सिफिकेशन एंड समटाइम्स इट इज रिटर्न इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स समझ आया तो स्टार्च प्रोटीन और अब किसकी बारी है भाई अब फैट्स की बारी है वो कौन करेगा लिवर का काम है तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करेगा बाइल जूस फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाएंगे और ये जो प्रोसेस है जहां पर बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं इमल्सिफिकेशन क्लियर सो इन इनको ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ना इन्हें हम इमल्सी इमल्सिफाइड फैट्स भी बुलाते हैं बात समझ आ रही है सबको चलो ग्रेट अब हम बात करते हैं अपने next का क्या -like क्या बुलाया था हमने इसको so, this is pancreas. Pancreas क्या करता है पैनक्रियाटिक जूस वेरी गुड तो ये एक बड़ा सा लीफ के जैसा वाइट कलर का एक है जो हमारे स्टमक के नीचे है तो कहा है स्टमक ये क्या है सो दिस इज स्टमक और स्टमक के नीचे आपको एक पत्ता जैसा दिखाई दे रहा है ये जो पत्ता है ये है हमारा पेनक्रियास समझ आई अब ये जो पैनक्रियाज है ना ये क्या करेगा अपनी सिक्रीशन पोर कर देगा और इसकी जो सिक्रीशन है उसे हम बुलाते हैं पैनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इन टू ड्यूडनम थ्रू अ पैनक्रियाटिक डक्ट मतलब वो जो एक डक्ट है या एक जो पाइप है ना जिससे उसकी सिक्रीशन जाती है ड्यूडेनम में तो अभी तक हम भी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पर ही अटके हैं रिमेंबर दैट अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पर है दिल जले इनका तो अभी हम दिल पे हैं राइट right? तो ड्यूडेनम पे है तो ड्यूडेनम में लिवर की सिक्रीशन भी आ गई और अब आ रही है पैनक्रियास की दैट इज पैनक्रियाटिक जूस तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना इसमें तीन एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से हैं अमाइलेस ट्रिप्सिन और लाइपेज सो ए टी एल ठीक है अमाइलेस ट्रिप्सिन एंड लाइपेज करेक्ट अब ये जो तीनों है ना ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है कैसे हैं हमने तीन चीज़ों को डाइजेस्ट कराना है मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रही हूँ स्टार्च जिसे हम कई बार कार्बोहाइड्रेट भी लिख देते हैं ठीक है और हमें डाइजेस्ट कराने हैं प्रोटीन्स और हमें डाइजेस्ट कराने हैं फैट्स ठीक है तो अब देखो यहाँ पर इन तीनों को डाइजेस्ट कराने के लिए हमारे पास तीन एंजाइम्स भी हैं कौन कौन से हैं ए टी एल कौन कौन से हुए अमाइलेस ट्रिप्सिन एंड लाइपेज ठीक है तो ये सीक्वेंस याद रख लो सो so, बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में अब हम इनकी डाइजेशन कराएंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम स्टार्च की बात करेंगे तो जो स्टार्च है स्टार्च इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट जिसकी डाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी कहाँ पर माउथ में किसने की थी अमाइलेज ने तो यहाँ पर भी कौन करेगा यहाँ पर भी अमाइलेज करेगा डिफरेंस ये है कि जब माउथ में वो एंजाइम था सो दैट वॉज सिक्रीटेड बाई सलाइवरी ग्लैंड तो हमने उसको वहां पर क्या बुलाया था अमाइलेज अब ये पैनक्रियाज में है तो हम इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज बुलाते हैं ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा जो सॉरी इसको सिर्फ अमाइलेज बुलाएंगे अब हम यहां पर ठीक है तो अमाइलेज अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करेगा और इसको मोल्टोज में कन्वर्ट कर देगा ठीक है ये बात हो गई दूसरा कौन सा न्यूट्रिएंट हमने लिखा है दूसरा हमने लिखा है प्रोटीन ठीक है अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पे कौन एक्ट करेगा स्टमक में डाइजेशन शुरू हुई थी प्रोटीन की कौन सा एंजाइम था पेप्सिन ठीक है पेप्सिन तो ट्रिप्सिन ठीक है तो यहां पर जो एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिन वो प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा और वो इन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू पेप्टाइड्स ठीक है तो यहाँ पर प्रोटीन्स हैं प्लस पेप्टोन्स भी हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स तो इन सबको ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा अब क्या बचता है देखो टॉप पे हमने क्या लिखा है कौन बचा अब तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट ये था हमारा सेकंड और अब आया हमारा थर्ड तो इसमें आते हैं फैट्स फैट्स बचे फ़ैट्स की डाइजेशन कहाँ शुरू हुई थी अभी तो थोड़ी देर पहले हुई थी किसने कराई थी बाइल जूस ने जहाँ पर बड़े बड़े फ़ैट के ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे बड़े बड़े फ़ैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया था और उसको हमने बुलाया था एमल्सिफाइड फैट्स तो अब यहाँ पर क्या होगा यही फ़ैट्स जो एमल्सिफाइड हैं जो एमल्सिफाई हो चुके हैं मतलब जो छोटे छोटे फ़ैट के ड्रॉपलेट्स में टूट चुके हैं अब इनके ऊपर एक्ट करेगा एंजाइम दैट लाइपेज अब ये जो लाइपेज है ये इनको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स प्लस ठीक है समझ आ गया तो पहले दो अगर आपको याद रह गए ना तो हमने सीक्वेंस यही रखना है क्या सीक्वेंस रखेंगे हम सीक्वेंस रखेंगे स्टार्च प्रोटीन फैट ठीक है उसके ऊपर जो एंजाइम्स एक्ट करें दैट इज एटीएल ठीक है कुछ भी बना लो इसका मुझसे मुझे नहीं आ, समझ आ रहा था बट मुझे ए टी एल याद रहता है तो मैंने वैसे ही लिखा था ठीक है तो अब पहला एंजाइम है अमाइलेज तो अमाइलेज हमारे माउथ में भी था हमने पढ़ा था जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू किया था तो यहाँ पर सेम अमाइलेज जो है वो स्टार्च के डाइजेशन को शुरू कर देगा क्लियर अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर दैट इज प्रोटीन 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 की डाइजेशन शुरू हुई थी स्टमक में और स्टमक में एक एंजाइम था कौन सा था दैट वॉज पेप्सिन तो पेप्सिन से मिलता जुलता यहाँ पर आ जाता है ट्रिप्सिन तो so, अब यहाँ पर प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को फर्दर ब्रेक करने का काम करेगा ट्रिप्सिन उसके बाद बचता है फैट्स फैट्स के ऊपर जो एक बचा एंजाइम है वही काम करेगा कौन सा है दैट इज लाइपेज तो फैट्स ऑलरेडी ब्रेक होना शुरू हो चुके थे जब बाइल जूस आया था तो so, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल छोटे-छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए थे जिन्हें हमने बुलाया था एमल्सिफाइड फैट्स अब ये जो एमल्सिफाइड फैट्स हैं ना इनके ऊपर फर्दर एक्ट करता है लाइपेज और वो इनको कन्वर्ट कर देता है इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है याद रहेगा ना ये क्योंकि अब हम बढ़ेंगे एक क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही सिंपल है अगर आपको ये सीक्वेंस और आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि कौन सा एंजाइम किसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो बहुत simple है। so तो क्वेश्चन तीन एंजाइम लिखने हैं कौन कौन से एंजाइम्स है सोचो जल्दी से सो ए टी एल ठीक है यहां पर लिख लो पहले तो ए टी एल कौन कौन सा है अमाइलेज द नेक्स्ट वन इज लाइपेज ठीक है तो अमाइलेज एक्ट करेगा स्टार्च पे और स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट करेगा ठीक है तो स्टार्च से बन जाएगा मोल्टोज क्लियर वैसे ही ट्रिप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन्स प्लस पेप्टोन्स पे और ये इनको कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में क्लियर अब लाइपेज बचा लाइपेज एक्ट करेगा एमल्सिफाइड फैट्स में और ये जो एमल्सिफाइड फैट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे इन टू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में समझ आ गई बात तो ये पूरा का पूरा आपको पैंक्रियाटिक जूस समझ आ गया बाइल जूस में तो सिर्फ एक ही चीज है जो क्या कर रही है जो सिर्फ फैट्स को फैट्स की डाइजेशन को शुरू कर रही है ठीक है क्योंकि स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो चुकी थी फिर प्रोटीन्स की हो चुकी थी अब बचते थे फैट्स तो बाइल जूस ने आके वो काम भी शुरू कर दिया तो अब फाइनली जब पैनक्रियाटिक जूस आया अब पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया कि भाई शुरू तो सबकी डाइजेशन हो चुकी है अब मैं क्या करूंगा इनकी फर्दर डाइजेशन करूँगा क्योंकि अभी तक डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट हुई थी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई थी करेक्ट तो फर्दर डाइजेशन का काम पैनक्रियाटिक जूस ने लिया तो अब वो क्या करेगा अब उसको तीनों ही चीजों को फर्दर डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो उसने तीन एंजाइम्स अपने जूस में डाल लिए घोल लिए ठीक है तो अमाइले स्ट्रिप्स एंड लाइफेज अब हम चलते हैं आगे जहां पर हम ये देखेंगे कि ये वाला पार्ट जिसे हमने ड्यूडनम बुलाया था सो so, क्या था दिल जले इनके ठीक है डी जे आई तो हमने दिल की बात तो कर ली अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसे हमने बुलाया है जेजनम तो जेजनम है तो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का लेकिन ये वो पार्ट है ना जहाँ पर जिसे हम एक तरह से सेकेंड पार्ट बुलाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का और जेजनम में किसी भी तरह की डाइजेशन नहीं होती है जैसे ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती है वैसे ही जेजनम में भी डाइजेशन नहीं होती है तो जैसे ईसोफेगस भी एक तरह से एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट था और यहां पर क्या है यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज पर भी डाइजेशन नहीं होगी अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इसके लास्ट पार्ट पे जिसे हम इलियम बुलाते हैं ठीक है तो अब ये जो खाना ऑलरेडी डाइजेशन हो चुकी है एक बार दूसरी बार उसको फर्दर पेनक्रियाटिक जूस ने कर दिया है अब वो छोटे छोटे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे पास पहुंच चुके हैं इलियम में ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा यहां पर एक और जूस आ जाएगा अब कौन सा जूस बच गया अब बहुत ही सिंपल नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन का ही जूस आएगा सो वी विल कॉल इट एज इंटेस्टाइनल जूस तो ये जो पार्ट है ना इट इज़ अ लॉन्ग नैरो कॉइल्ड ट्यूब और यहां पर इसकी जो इनर लाइनिंग है इलियम की इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बुलाते हैं क्या बुलाते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो किस में होते हैं इलियम की इनर लाइनिंग में होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस ठीक है अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है आप देखो काफ़ी हद तक हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैट्स हैं प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट हो चुके थे लेकिन अभी भी डाइजेशन कही कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं थी मतलब इस इस लेवल पर डाइजेशन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं पहुंचे थे जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले तो अब यहाँ पर आना पड़ा इंटेस्टाइनल जूस को तो इंटेस्टाइनल जूस ने क्या किया कि कुछ एंजाइम्स लिए और इन एंजाइम्स से फर्दर उस खाने को ब्रेक कर दिया तो अब यहां पर हमारे पास आएंगे पांच एंजाइम्स, ठीक है तो ध्यान रखो सबसे पहला है एरिप्सिन, मोल्टोज सुक्रेज एंड लैक्टेज एंड लाइपेज ठीक है तो लाइपेज से तो आपको सबको समझ आ गया होगा क्या होगा सीधी सी बात है फैट्स ही डाइजेस्ट होंगे ठीक है तो यहाँ पर फैट्स ये तो फैट्स के ऊपर ही एक्ट करेगा वो जो इमल्सिफाइड फैट्स थे जो फर्दर फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट हो चुके थे फिर उसके बाद मोल्टोज़ तो मोल्टोज हमने कहाँ पढ़ा अभी तो पढ़ा कहाँ पढ़ा हमने पढ़ा पैनक्रियाटिक जूस में तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या हुआ था याद करो क्या हुआ था वहां पर स्टार्च को अमाइलेज ने मोल्टोज में कन्वर्ट किया था तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये मोल्टेज जो एंजाइम है ये मोल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा और उसकी फर्दर डाइजेशन कराएगा क्लियर और बाकी जो है ना अभी पढ़ते हैं डोंट वरी ठीक है तो ये तो कुछ एक क्विक रिकैप था आपके लिए अब हम आते हैं अपने इन्हीं सारे एंजाइम्स के ऊपर तो सबसे पहला कौन सा था सबसे पहला हमने पढ़ा एरिप्सिन एरिप्सिन पेप्सिन ट्रिप्सिन एरिप्सिन ठीक है सेम है तो बस इनका जो डाइजेशन वाला कंपोनेंट है ना वो भी सेम है तो अब हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो बन चुके थे प्रोटीन्स जो हैं, वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स तक पहुंच चुके थे तो अब यहां पर हमारे पास आ चुके थे पेप्टाइड्स तो पेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करना शुरू किया किसने एरिप्सिन ने ठीक है तो एरिप्सिन ने इनको कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड्स ने ठीक है सो इट इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ठीक है तो मतलब प्रोटीन्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज अमाइनो एसिड तो अगर ये अमाइनो एसिड बन गए तो मतलब अब हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर पाएगी क्लियर अब नेक्स्ट आ गया कौन सा माल्टोज ठीक है माल्टोज हमने देखा था तो माल्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा सीधी सी बात है बस इसी के नाम के जैसा एक एंजाइम दैट इज मोल्टेज तो मोल्टेज इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर एक कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज तो ये भी कंप्लीटली अब हमारा ग्लूको हमारा जो स्टार्च था वो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया अब नेक्स्ट एंजाइम था सुक्रेज ठीक है तो सुक्रेज जो है हमारे खाने में सुक्रोज भी होता है जो अगेन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरह का स्टार्च है हमारा राइट तो यहाँ पर सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा सुक्रेज एंजाइम, जो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ठीक है तो अब ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है ना ये सेम ही हैं इनका सिर्फ जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना ये सेम है दोनों में छः छः कार्बन एटम्स हैं बस फर्क इनके स्ट्रक्चर में है इनके जो एटम्स का अरेंजमेंट है ना सिर्फ उसमें फ़र्क है तो बेसिकली सुक्रोज जो है वो सुक्रेज़ एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाएगा तो दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म्स हैं किसकी स्टार्च की करेक्ट उसके बाद आता है लैक्टोज लैक्टोज कहाँ होता है मिल्क में होता है तो लैक्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा वही एंजाइम जो इसके नाम के जैसा है कौन सा था दैट वॉज लैक्टेज तो लैक्टेज फर्दर इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में करेक्ट तो ये भी एक तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया यहाँ पर भी स्टार्च अब उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है दैट वाज लाइपेज तो लाइपेज एक्ट करता था फर्दर एमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर और ये क्या करेगा यहाँ एक्ट करेगा लाइपेज और ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देगा और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरोल दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट करेक्ट तो अब इस तरह अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइल में डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारे सारे के सारे न्यूट्रेंट्स जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच चुके हैं एक ऐसी फॉर्म में जो हमारी बॉडी अब एब्जॉर्ब कर सकती है क्लियर तो ये बात समझ आ गई सबको तो ये सब कहां पर हुआ स्टार्ट हुआ था ड्यूडेनम से जेजेनम में कोई डाइजेशन नहीं हुई फाइनली जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज इलियम वहां पर आके ये सारी चीज़ें ब्रेक हो गई और सिंपलेस्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई तो फाइनल जो डाइजेशन है हमारी वो कुछ ऐसी है कार्बोहाइड्रेट या फिर वी कैन राइट स्टार्च इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज प्रोटीन्स शुड बी कन्वर्टेड इंटू अमाइनो एसिड्स फैट शुड बी कन्वर्टेड इंटू फैटी एसिड्स प्लस नॉट ग्लूकोज बट इट इज ग्लिसरोल करेक्ट तो बात समझ आ गई अब हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है ये पाँच छः घंटों में क्लियर अब यहां तक डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए अब क्या करना है अब इस न्यूट्रिएंट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं हमारे खाने मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं बट डाइजेस्ट हुए हैं अब उनको कराना है एब्जॉर्ब तो कौन करेगा तो हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी कि इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है हमारी एलिमेंट्री केनाल का जहां पर डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्बन भी होती है तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली जो थर्ड पार्ट है जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसे हम इलियम बुलाते हैं कौन सा पार्ट है इलियम तो इलियम वो पार्ट है जहां पर डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्बन भी होती है न्यूट्रिएंट्स की राइट right? तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं विलाए ठीक है तो कुछ ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं मतलब ऐसे ही कुछ फिंगर्स के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं क्लियर तो ऐसे होने की वजह से यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज्यादा बढ़ जाता है और सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से यहाँ पर खाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो अब यहाँ पर जितने भी ये विलाए हैं अच्छा ये जो विलाय है ना इसका सिंगुलर फॉर्म है विलस तो हर एक विलाय हर एक विलस जो है ठीक है तो इनमें होते हैं कुछ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज तो ये क्या है यहां पर दीज आर द ब्लड कैपिलरीज क्लियर तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं कुछ नेटवर्क है ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स जो इसके सरफेस पे क्लोज आते हैं अब क्या होता है कि यहाँ पर इस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज तो बेसिकली कौन से कौन सी, सी चीज़ें यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स ठीक है तो यहां पर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जैसे ही यहां पर इस सरफेस के क्लोज आएंगे तो वो क्या होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो चले जाएंगे इस सरफेस से इस ब्लड वेसल में इस ब्लड स्ट्रीम में ठीक है तो मतलब विलाय ने किसको एब्जॉर्ब किया विलाय ने एब्जॉर्ब किया ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को क्लियर अब कौन बचता है अब बचते हैं फैट्स तो फ़ैट्स जो होते हैं ना फैट्स कुछ स्पेशल ट्यूब्स में जाते हैं और उन स्पेशल ट्यूब्स को हम बुलाते हैं लिम्फ़ वेसल्स तो लिम्फ़ वेसल्स वो स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जहाँ पर फैट्स जाते हैं और यहाँ पर जो हमने खाना खाया होता है या कुछ सप्लीमेंट्स लिए होते हैं तो वहाँ पर विटामिनस भी होते हैं और मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं तो ये जो विटामिन और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं ना दे आर वाटर सोलबल तो मोस्टली मोस्टली ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से ठीक है तो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है विलाए की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन विटाम uh, विटामिन और मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने की ठीक है तो सब कुछ हमने एब्जॉर्ब करा लिया फैट्स और अमाइन सॉरी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड विलाये ने एब्जॉर्ब कर लिए जो फैट फैटी एसिड्स थे वो कुछ स्पेशल ट्यूब्स में चले गए जिनको हमने लिम्फ वेसल्स बुलाया और विटामिन और मिनरल सॉल्ट दे आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर तो वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन की वॉल से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्लियर तो ये बात समझ आ गई है अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ़ स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और द लास्ट पार्ट विच इज़ अराउंड वन पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग तो एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी दैट वॉज अराउंड सेवन मीटर्स लॉन्ग राइट लेकिन यहां पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जस्ट 1.5 मीटर लॉन्ग ही है तो क्वेश्चन ये है कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं जल्दी से बताना ठीक है सोचो सोचो थोड़ी देर सोचो आंसर मैं अभी दे दूंगी ठीक है ओके तो यहाँ पर तीन रीजन होते हैं कौन कौन से रीजन होते हैं सबसे पहला ये है रीजन दिस इज कॉल्ड एज सीकम सीकम के ऊपर जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज कोलन और ये जो लास्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का उसे हम बुलाते हैं रेक्टम तो ये जो रेडिश कलर का पूरे आउटलाइन है ना ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो बीच में ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसकी ये जो रेडिश आउटलाइन है दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन जिसके तीन पार्ट है ठीक है सीकम कोलन एंड रेक्टम क्लियर अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये कोई भी एंजाइम्स सिक्रियट so नहीं करती है डाइजेशन ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुकी है बहुत सारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो चुके हैं तो यहाँ पर ये कोई भी एंजाइम सिक्रिएट नहीं करेगी तो ये करेगी क्या यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वाटर जितना भी अब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा है ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल कर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया है और उसमें जितना भी पानी है जितना भी पानी नहीं मतलब काफ़ी सारा पानी वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके बाद जो पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो अनडाइजेस्टेड मैटर बचता है उस अनडाइजेस्टेड मैटर को पहुंचना होता है रेक्टम तक और वो भी होता है सेमी सॉलिड स्टेट में मतलब सॉलिड्स तो होते ही हैं साथ में लिक्विड कंटेंट भी होता है तो एक सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल अब पहुंचता है इस लास्ट पार्ट में जिसे हमने बोला है रेक्टम ठीक है अब ये जो रेक्टम है ना ये एक छोटी सी ट्यूब जैसी है जो फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग है अब ये वो ट्यूब है जहां पर जितना भी अनडाइजेस्टिड मैटर है वो या अनडाइजेस्टिड वेस्ट है वो कुछ देर के लिए स्टोर होता है और इसको हम यहाँ पर बुलाते हैं फीसेस ठीक है तो अब क्या होता है कि दिस इज रेक्टम ये है रेक्टम और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है ना उसे हम बुलाते हैं एनस ठीक है अब यहाँ पर फूड टेम्परेरली स्टोर है और अब ये पास हो जाता है फ्रॉम दिस ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज एनस और एनस में होते हैं कुछ सर्कुलर मसल्स जिन्हें हम स्पिंक्टर मसल्स भी बुलाते हैं तो स्पिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो एनल एनल जो सेक्शन है उसको उसको सराउंड करते हैं अब जैसे ही ये मसल्स रिलैक्स होते हैं वैसे ही जितने भी फीसेज हैं जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी में वो बाहर निकल जाता है थ्रू दिस ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज एनस बात समझ आ गई तो ये बात क्लियर हो गई सबको सो आई एम बैक टू माई क्वेश्चन वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज लार्ज ठीक है तो अब यहां पर देखो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये यहां पर क्या है यहां पर बड़ी सारी कॉइलिंग हुई पड़ी है और इस छोटे से रीजन में क्या आ गया है एक सेवन मीटर लॉन्ग ट्यूब ठीक है और इस एरिया में क्या है इस बड़े से एरिया में है 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है जो अंदर वाला सरफेस होता है ट्यूब का वो काफी नैरो होता है मतलब ये जो ट्यूब है ना ये कुछ ऐसी नैरो होती है वहीं पर अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो इसका जो ल्यूमन है वो काफी बड़ा होता है तो बस इसी ल्यूमन के चलते हुए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बुलाया है और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बुलाया है ठीक है बट अगर हम लेंथ पर आए तो लेंथ ऑपोजिट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है लेकिन यहाँ पर जो ल्यूमन है जो इनर सरफेस है स्पेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है इसीलिए हमने इसको स्मॉल बुलाया है क्लियर तो बात समझ आ गई आगे बढ़ें आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी समझने के लिए तो जल्दी से बताओ यहाँ तक समझ आया ना अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्न हब डॉट कॉम तो आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज सो डोंट वरी ओके सो नाउ दिस एलिमिनेशन और एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी इज़ टर्म्ड एज ई जशन ठीक है तो याद करो प्रीवियस लेक्चर में जाओ तो हमने पढ़े थे कौन कौन से स्टेप्स हमने पढ़ा था इनजेशन जो होता है माउथ से इसका मतलब होता है टेकिंग फूड इन साइड आर बॉडी सो दैट इज़ इन्जेशन जो माउथ से होता है ठीक है दूसरा हमारा स्टेप था डाइजेशन जो माउथ में ही शुरू हो चुकी है और ख़त्म हुई है कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद तीसरा हमारा स्टेप था एब्जॉर्पन क्या स्टेप था एब्जॉर्प्शन अब खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट में दैट इज इलियम में एब्जॉर्ब भी हो गया कुछ इंटेस्टाइन की वॉल ने वैसे ही एब्जॉर्ब uh, कर लिया करेक्ट अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज ईजेशन एलिमिने यहाँ पर एलिमिनेट हो गया वेस्ट लेकिन इसके बीच में सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट तो इसके बीच में एक फोर्थ पार्ट आता है दैट इज द एसीमिलेशन तो मतलब ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है अब इसको यूटिलाइज करना है हमारी बॉडी ने सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसीमेशन सो द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिड फूड न्यूट्रेंट्स बाय द बॉडी सेल्स सो न्यूट्रेंस आर एब्सॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी तो हमने जो खाना खाया है उसमें जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे ठीक है और अब हमारे ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड से ये हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंच जाएंगे जहां पर उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है सो so, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं एसिमिलेशन तो जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है ना इसमें हर एक न्यूट्रेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो एसिमिलेशन में क्या होता है एसिमिलेशन में सबसे पहले आता है ग्लूकोज तो ग्लूकोज एक तरह से एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट या ऑफ स्टार्च के डाइजेशन का ये हमें क्यों चाहिए ये हमें चाहिए अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए कोई भी काम करना है मुझे बोलना है ताकि मैं बोलूं और आप तक इस लेक्चर को पहुंचा सकूं और आपको सुनना है ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ सको तो वहां पर बैठे रहने के लिए भी बोलने के लिए सुनने के लिए हमें हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें देते हैं कौन कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है ग्लूकोज ठीक है नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड किससे मिले प्रोटीन्स की डाइजेशन से प्रोटीन्स का क्या काम है प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हमारी बॉडी की रिपेयर में कुछ आउट सेल्स की रिपेयर में और टिश्यूज़ की रिपेयर में बहुत हेल्पफुल है द नेक्स्ट वन इज़ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल तो ये किससे हमें मिला फैट्स की डाइजेशन से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है किसी दिन आपने फास्ट रख लिया हो सकता है किसी दिन गुस्से में खाना नहीं खाया हो सकता है किसी दिन खाना मिला ही नहीं हो सकता है किसी दिन किसी वजह से आपको खाने का टाइम नहीं लगा तो उस टाइम के लिए ना हमारी बॉडी कुछ खाना रिजर्व कर लेती है और वो रिज़र्व तभी बनता है जब आप फैट्स लेते हो अपनी बॉडी में ठीक है सो व्हाट इज दिस फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल सो ये हमें फ़ैट की डाइजेशन से मिलते हैं और ये हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्व है और ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी हमें इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकें अब एनर्जी बहुत सारी बिना खाना खाने के बाद भी हो सकता है एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो ये जो एनर्जी है ये हमें मिलती है इस स्टोर्ड एनर्जी से स्टोर्ड फैट से ठीक है सो आई होप एसिमोलेशन इज़ क्लियर टू यू लेटेस्ट नाउ कम टू द क्विक रिकैप ऑफ आर एलिमेंट्री केनाल तो सबसे पहले शुरू करेंगे कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट से जिसे हमने बुलाया है माउथ माउथ के बाद आया है ईसोफेगस ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट इज दिस विच इज़ कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन राइट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लंबा सा पार्ट आया है ये काफ़ी ब्रॉड पार्ट डैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर तो माउथ माउथ में खाना च्यू होता है माउथ में खाना जो है वो छोटे पीसेज में ब्रेक होता है मकैनिकल मीन से और उसके सिवाय यहाँ पर एक सिक्रेशन आती है दैट इज फ्रॉम सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड से आता है सलाइवा सलाइवा से आते हैं सलाइवरी अमाइलेस ठीक है अब आगे है ईसोफेगस जहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो डाइजेशन क्लियर अब उसके बाद खाना पहुँचता है स्टमक में स्टमक में आते हैं तीन सिक्रेशन गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस आता है ठीक है कौन सा आता है गैस्ट्रिक जूस इस गैस्ट्रिक जूस में होते हैं तीन चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सबसे पहले एच सी एल राइट देन म्यूकस एंड द नेक्स्ट वन इज पेप्सिन तो जैसे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुई थी किसकी कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की वैसे ही यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी प्रोटीन्स की जो कराएगा पेप्सिन और यहाँ पर ये यह जो एच सी एल है ये एसिडिक मीडियम बनाएगा ताकि जितने भी जर्म्स आए हैं खाने के साथ वो मर जाएं और पेप्सिन जो एंजाइम है वो और अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिवेट करने का ये काम करेगा और यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू हो जाएगी म्यूकस इन एसिडिक कंडीशन से स्टमक की वॉल्स को बचाएगा क्लियर उसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर डाइजेशन भी होगी और एब्जॉर्प्शन भी होगी तो यहाँ पर दो ग्लैंड की सिक्रीशन आती हैं सबसे पहले आएगी लिवर की और उसके बाद आएगी पेनक्रियाज की तो लिवर से आएगा बाइल जूस और पैनक्रिया से आएगा पैनक्रियाटिक जूस ठीक है तो बाइल क्या करेगा अभी तक स्टार्च प्रोटीन की डाइजेशन शुरू हो चुकी थी अब बाइल आके ना फैट्स की डाइजेशन शुरू कर देगा और उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देगा फिर आएगा पैनक्रियाटिक जूस जिसमें तीन एंजाइम्स हैं कौन से हैं ए टी और एल कौन कौन से थे अमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज ठीक है तो ये तीनों अमाइले स्टार्च पे एक्ट करेंगे ट्रिप्सिन जैसे कि पेप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा और लाइपेज फैट्स पे एक्ट करेगा क्लियर उसके बाद यहाँ पर फर्दर जब खाना ड्यूडनम से सेकेंड पार्ट में आएगा जेजनम तो जेजनम में कोई सिक्रीशन नहीं होगी कोई डाइजेशन नहीं होगी और फिर फाइनली खाना आ जाएगा इलियम में दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और यहां पर आएगा एक जूस जिसे हम बुलाएंगे इंटेस्टाइनल जूस और इंट इस इंटेस्टाइनल जूस में पांच एंजाइम्स थे कौन कौन से थे एरिप्सिन मोल्टेज सुक्रेज देन व्हाट एल्स वाज देयर देर वाज लैक्टेज एंड द फिफ्थ वन वाज लाइपेज तो सबसे पहला था एरिप्सिन ट्रिप्सिन पेप्सिन एरिप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे लाइपेज फैट्स पे करेगा और इसके सिवा मोल्टेज सुक्रेज लैक्टेज ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो ये जो भी कार्बोहाइड्रेट अब बचा है उसको और सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड दैट सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ ग्लूकोज ठीक है अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कोई डाइजेशन नहीं होगी एब्जॉर्बशन भी इलियम कर लेगा अब यहाँ पर जितना भी पानी है मोस्टली जो पानी होता है ना हमारे फूड में जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड में होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में so I hope this is clear I hope the complete elementary canal is clear to you ठीक है तो आगे बढ़े क्योंकि आगे जो ना हम पढ़ने वाले हैं ना वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है एटलीस्ट कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है जो अपनी मम्मी की बात नहीं मानते हैं कौन सा है तो हम दांतों की बात करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं अपने दांतों को कुछ समझते हैं सबसे पहले तो हम अपने ही दांतों का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो हमारे दांत होते हैं ना ये कैसे होते हैं ओके नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ तो ये जो हमारा दांत है ना इसको हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में सबसे बाहर वाला पार्ट जो आप देखते हो जो ये व्हाइट वाला आप पोर्शन देखते हो ना इसे हम बुलाते हैं क्राउन इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है दांत का इसे हम बुलाते हैं नेक और फाइनली जो जड़ के नीचे है ये वाला पार्ट बेसिकली ठीक है तो इसे हम बुलाते हैं रूट तो क्राउन नेक एंड रूट क्लियर अब यहां पर शुरू करते हैं क्राउन से क्राउन एक तरह से ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना दिस इज द टॉप सॉरी दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज क्राउन और ये कवर हुआ होता है एक वाइट हार्ड लेयर से जिसे बुलाते हैं इनैमल और इनैमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का मतलब इसको तोड़ना इतना भी आसान नहीं है लेकिन अगर आप केयर नहीं करोगे ना तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगा ठीक है सो द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन आर बॉडी इज इनेमल क्लियर अब इस क्राउन में तो ये क्या था दिस वॉज क्राउन क्लियर क्राउन के ऊपर ये जो व्हाइट कलर की कोटिंग थी इट इज इनेमल क्लियर और इसके बाद यहाँ पर ये यह जो आपको अलग सा एक हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना इस पार्ट को हम बुलाते हैं डेंटाइन ठीक है तो डेंटाइन एक तरह से एक बोन के जैसा एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो इनेमल के नीचे ये है इनेमल वाइट कलर का और इसके नीचे ये जो बोन जैसा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज वॉट दिस इज डेंटाइन जो हमारे दांतों को सपोर्ट करता है नाउ डेंटाइन फॉर्म्स बल्क ऑफ द टूथ तो ये जो डेंटाइन है ना ये हमारे ये देखो ये जितना भी ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना सो दिस इज ऑल डेंटाइन तो डेंटाइन हमारे दांतों का एक बल्क बनाता है और डेंटाइन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ एंड इट इज हॉलो अंदर से ही हॉलो है और यहाँ पर कुछ सॉफ्ट मटेरियल हमें देखने को मिलता है और इस सॉफ्ट मटेरियल को हम बुलाते हैं पल्प तो बेसिकली ये जो पिंकिश है ना ये जो पिंकिश जगह है इसे हम बुलाते हैं पल्प ठीक है अब पल्प में क्या है पल्प में आपको छोटी छोटी बहुत सारी वेसल्स और कुछ नर्व्स मतलब कुछ ऐसी आपको नर्व्स देखने को मिलेंगी और बहुत सारी वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी तो बेसिकली ये जो पल्प है इस पल्प में ही होते हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स ठीक है तो वो जो दर्द होती है ना वो ये यही नर्व्स बताते हैं कि कुछ तो खराबी चल रही है और अब आपको दर्द हो रही है तो वो होते हैं पल्प में उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले रीजन में जिसे हमने बुलाया है नेक तो नेक एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होती है ऊपर क्राउन है नीचे रूट है और बीच में नेक है तो ये ना एक तरह से एक सीमेंट होता है जो कवर करता है किसको ये वाला सीमेंट देखो ये जो आपको पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है ना सो दिस इज सीमेंट दैट कवर्स वेयर रूट मीट्स द इनामल ठीक है तो जहां पर ये दोनों आप, आपस में मिल रहे हैं वहां पर एक सीमेंट आ गया है दैट इज नेक अब फाइनली ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो हमारे जॉ में फिक्स होता है ठीक है सो दिस जो दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज रूट तो ये हमारे जॉ में फिक्स होता है और इसके अराउंड भी ये देखो ये हमारी छोटी सी नेक थी और इसके बाद ये जो सीमेंट है ना ये फिर भी चलता ही आ रहा है तो जो हमारा सीमेंट है वो रूट को भी पूरा ऐसे लाइन करता है दांत में दर्द किस किस को हुआ है अभी तक आपको हुआ है तो हाथ खड़ा करो क्योंकि मुझे तो हुआ है तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया तो जब ये दांत की दर्द होती है ना इसे हम एकिंग टूथ बोलते हैं तो ये क्यों होता है तो कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ खाना खाते हैं जैसे शुगर स्टार्च रिच कुछ फूड खाते हैं और अब क्या होता है कि ये हमारे दांतों में फंस जाता है दांतों में जब ये खाना फंस जाता है तो इसके साथ साथ जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया इस खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और एक येलो कलर की फिल्म बना देते हैं हमारे दांतों पे जिसे हम बुलाते हैं प्लाक जैसे कि आप यहां पर इन दांतों के ऊपर देख सकते हो तो यहाँ पर प्लाक हो गया है ठीक है तो अब जो ये बैक्टीरिया और फूड के बीच में रिएक्शन होता है ना इसमें ना कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं तो जब शुगर के ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है तो यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे इनैमल को देखो इनैमल जिसे हमने अपनी बॉडी का हार्डेस्ट सबस्टांस बताया था उसको भी करूड कर देता है तो देखो ये बैक्टीरिया कितना पावरफुल है ठीक है तो यहाँ पर कुछ कैविटीज़ हमें देखने को मिलती है दांतों में जो कि कुछ ऐसी होती है मतलब हमारे दांत जो है ना वो अंदर से, से ख़राब होने लगते हैं और इनको हम बुलाते हैं केरीज तो अंदर से दांत ऐसे काले काले दिखाई देते हैं तो ये ज्यादातर आपको पीछे वाले दांतों में ज्यादा होता है नाउ अब ये जो बैक्टीरिया है ना अब धीरे धीरे क्या होगा हमने आ, अपने टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा कुछ ऐसा था उसके अंदर ना एक पल्प रीजन था जिस पल्प रीजन में बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स थी कई बार क्या होता है कि अगर ध्यान ना दिया जाए और दांतों को ट्रीट नहीं कराया जाए तो ये बैक्टीरिया पहुँच जाता है हमारे दांतों के पल्प तक और जब ये पल्प तक पहुँच जाता है तो इन्फेक्शन अब पल्प तक ये पहुँचा देता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पल्प तक पहुँचा देता है और इसकी वजह से दांत में बहुत दर्द होती है और दूसरा हमारे माउथ से आती है कुछ फाउल स्मेल कई बार ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये पहुँच जाता है हमारे गम्स तक ये जो स्किन जैसी हमें दिखाई देती है जिसके अंदर दांत अटैच होते हैं राइट ये ये वाली जो स्किन होती है तो कई बार ये पूरा इन्फेक्शन गम्स पल्प से गम्स तक पहुँच जाता है और जब ये गम्स तक पहुँच जाता है और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है तो कई बार कई केसेस में आई कैन से मैक्सिमम केसेस में हमें दांत भी निकालना पड़ जाता है सो दिस इज़ सो डेंजरस ठीक है तो मतलब ये है क्या है कि हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए हमें अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए तो हमें दांतों को दो बार ब्रश करना चाहिए ये तो हर एड में जहाँ भी ब्रश वाली एड आती है या डॉक्टर के पास जाओ मम्मी टीचर कौन कौन नहीं बोलते सब यही बोलते हैं तो वो सही बोलते हैं ठीक है हमें अपने माउथ को अच्छे से रिंस करना जब भी आप कुछ खाओ से आपने थोड़ा सा फ्रूट खाया या आपने ब्रेकफास्ट, लंच डिनर या स्नैक्स कुछ भी खाया आपको अपने माउथ को अच्छे से रिंस करना है क्लियर देन कोई कभी भी खाना या कोई ड्रिंक कुछ भी आप खा रहे हो वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही वो बहुत ठंडा होना चाहिए क्योंकि बहुत गर्म और बहुत ठंडे से भी दांत खराब होते हैं क्लियर द नेक्स्ट इज हमें अपने दांतों की एक्स्ट्रा केयर तब करनी चाहिए जब हम बच्चों की फेवरेट चीज़ खाते हैं कौन सी चीज़ जल्दी से बताओ चॉकलेट स्वीट्स ठीक है तो जब भी आप चॉकलेट्स खाओ स्वीट्स खाओ तो अपने दांतों की एक्स्ट्रा केयर करो ताकि आपके दांत खराब ना हो और मम्मी की बात तो जरूर मानो तो ऐसे हंसते मुस्कुराते दांत अच्छे लगेंगे ना या फिर वो खराब पीले काले दांत अच्छे लगेंगे बताओ तो ये क्यूट से बच्चे सुंदर लग रहे हैं ना वाइट वाइट मोतियों की तरह चमकते हुए दांतों के साथ तो हमें भी अपने दांतों की केयर ऐसे करनी है ताकि वो ऐसे मोतियों की तरह चमकते रहें क्लियर तो अभी तक तो आप सबके परमानेंट टीथ भी आ चुके होंगे या अभी कंप्लीट होने वाला होगा परमानेंट टीथ का सेट तो आपको अपने दांतों की बहुत अच्छी केयर करनी है रिमेंबर दैट मम्मी की बात माननी है बहुत गर्म बहुत ठंडा नहीं खाना है दिन में दो बार ब्रश करना है और स्वीट्स चॉकलेट्स कम खानी है क्लियर सो आई होप आई एम क्लियर टू यू क्योंकि अब हम इस सेशन को एंड करने जा रहे हैं विद अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च आफ्टर डाइजेशन क्या है जल्दी से बताओ सो इट इज ग्लूकोज राइट नेक्स्ट इज द ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेशन बिगेन्स तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में और अगर यहाँ पर प्रोटीन की जगह स्टार्च लिखा होता तो वो क्या होता वो होता माउथ अगर प्रोटीन की जगह फैट्स लिखा होता तो आप क्या लिखते स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो रिवाइज हो गया सारा ओके okay, चलो नेक्स्ट द ऑर्गन्स इन टू विच द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर पोर्ड तो पैनक्रियाटिक जूस कौन दे रहा है पैनक्रिया से आ रहा है ठीक है बाइल जूस से आ रहा है लिवर से आ रहा है तो ये दोनों ही एक कॉमन डक्ट के थ्रू कहाँ पर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है तो अब मैं आपसे ज्यादा स्पेसिफिकली पूछूंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पर तीन पार्ट्स पड़े हैं दिल जले इनके तो दिल वाले पार्ट में दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडनम क्लियर द नेक्स्ट इज द एंजाइम विच डाइजेस्ट फैट्स इन इलियम तो फैट की डाइजेशन कहाँ शुरू हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में दैट इज ड्यूडनम क्लियर अब यहां पर फैट्स कन्वर्ट हो गए थे एक बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया था जिसे हमने बुलाया था एमल्सिफाइड फैट्स राइट अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आया था दिल के बाद जले जहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हुई थी फिर लास्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज़ इलियम इलियम थर्ड पार्ट था और इस थर्ड पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के एक एंजाइम आया था जिसे हमने बुलाया था लाइपेज इस लाइपेज ने क्या किया था इसने इन एमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया था समझ आ गया याद आ गया सब कुछ रिवाइज हो गया तो अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क योर डाउट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्न हब डॉट कॉम तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाओ तो अब तो हमारे बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स बचे हैं इस क्लास के तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बहुत जल्दी हम सिक्स का सिलेबस ख़त्म कर देंगे सो डोंट वरी ओके So, this was all from the today's session where we discussed, we completed the digestive system. So, I hope all the topics are clear to you. If you have any doubts, please ask your doubts and ask questions section of learnohub.com. So, I am there to help you out with your questions. So, take care everybody, and you all know that learnohub matlab free hai par best hair.